हाय गुड मॉर्निंग। हाय गुड मॉर्निंग। डे टू के लिए हम डे टू के लिए ये पता क्यों रो रही है? हम सब तैयार के नीचे निकलने लगे थे और हमने सोचा ब्लॉग की स्टार्टिंग कर देते तो उसको ऐसा लग रहा है नीचे चलो। दिस इज डे टू एंड वी आर गोइंग टू गुलमर्ग और आज हम गुलमर्ग का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, बहुत इंजॉय करेंगे। बर्फ वाली प्लेस है, रास्ते में ड्राई फ्रूट्स और क्लोथिंग आइटम की फैक्ट्रीज भी आएगी जहाँ से हमें थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है, वो भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अभी फिलहाल के लिए 8:30 टाइम हो रहा है और ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया तो हम नीचे जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए और हमारे ड्राइवर भैया को फ़ोन कर देते तो पिकअप करने हमें आ जाएगा। हाँ उनका फ़ोन भी आ गया। अब यहाँ की ब्रेड देखिए, इतनी सॉफ्ट और इतनी वेल मेंटेन, इतनी प्रॉपर स्क्वायर में अपने घरों में कैसे ब्रेड आती है, बाहर से खिलाते हैं थोड़ी बहुत स्क्रैच हो जाती है। और ये रोस्टेड ब्रेड है, ये भी बहुत अच्छी थी। ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा था, पोहा था, पूरी था, हलवा था, बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट है। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल चुके थे गुलमर्ग की ओर। सो गुलमर्ग का रास्ता काफ़ी सुंदर था, ये अप्रॉक्स आपको पड़ेगा श्रीनगर से 67 किलोमीटर्स, और 67 किलोमीटर की दूरी जो है हमने बहुत इंजॉयमेंट के साथ तय की बिकॉज़ हमारे जो ड्राइवर भैया थे वो बहुत ही अच्छे थे, उन्होंने हमें तरह तरह की नॉलेज दी यहाँ पे क्या चलता है क्या नहीं चलता है और एवरीथिंग, मतलब उनके साथ बातें करते हुए और बाहर का व्यू इंजॉय करते हुए टाइम कब निकल गया पता नहीं चला। गुलमर्ग पहुंचने से पहले टनमार्ग आता है, टनमार्ग में आपको शूज़ और जैकेट रेंट पे मिल जाते हैं। हमने शूज़ का पे किया था 100 रुपीज़ ईच पर्सन, वो आपको 150-200 बताएंगे बट आपको बार्गिन करके 100 ही देना है जो कि वहाँ का नॉर्मल प्राइस है। उसके बाद उन्होंने हमें जैकेट्स के लिए बोला तो हमने लॉन्ग जैकेट्स ली थी बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप विंटर में जा रहे हैं और स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होता है तो आप विद कैप वाली लॉन्ग जैकेट लो, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं होती है। हमारे पास वाटरप्रूफ जैकेट थे बट फिर भी हमने लिए थे बिकॉज वहाँ पर हल्की हल्की बारिश हो रही थी, इसलिए अदरवाइज़ आप नॉर्मल अपनी जो वाटरप्रूफ जैकेट आप साथ में लेके आते हो उससे भी आप काम चला सकते हो। उसके बाद टनमार्ग से हम निकल चुके थे गुलमर्ग की ओर, और गुलमर्ग जैसे जैसे हम ऊंचाई पे बढ़ते जाते हैं ठंड काफ़ी अच्छी बढ़ती जाती है और उसके बाद में ऐसा लगता है कि बादल नीचे ही आ रहे हैं और ट्री का जो सुंदर देखने का नज़ारा है वो बहुत ही अच्छा लगता है। सो जैसे जैसे गुलमर्ग पास आने लगता है वैसे वैसे हमें आइस दिखना स्टार्ट हो जाती है, तो आप देख सकते हैं कि रास्ते में हमें हल्की हल्की आइस जो है वो दिखना स्टार्ट हो गई है। ये गुलमर्ग से 1-2 किलोमीटर की दूरी पे ही है, मतलब गुलमर्ग इसके 1-2 किलोमीटर के बाद ही आने वाला है। गुलमर्ग पहुंचते ही आपको स्लेज कार वाले बहुत मिलेंगे, स्लेज गाड़ी वाले, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि वो आपको पैकेज के साथ बोलेंगे, आप चाहे तो पैकेज के साथ जा सकते हो या आप सेपरेट जो स्लेज गाड़ी होती है उसमें जा सकते हो बट आपको बार्गिंग ज़रूर करवानी है। हमने 1500 रुपीज़ में टॉप तक जाने का करा था स्लेज गाड़ी का और काफ़ी इन्जॉयमेंट का सफ़र रहा इन भैया के साथ में जो भी स्लेज गाड़ी के भैया थे। तो 2 स्लेज गाड़ी हमने करी थी, उनके साथ में 2 स्लेज गाड़ी चलाने वाले थे और आप चाहें तो हेल्पर ले सकते हो जो आपको पीछे से पुश करता है या पीछे से आपको गिरने से बचाता है, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको कोई भी हेल्पर की ज़रूरत नहीं होती है, वो भैया जो स्लेज गाड़ी चलाते हैं वो काफ़ी अच्छे से बैलेंस करके ही चलाते हैं। गाइस देखो स्लेजिंग हो रही है, ये चेतना आगे जा रही है और बाइक बड़ी थी सर्दी है, मज़ा आ गया, मतलब ऐसे कि ग्लव्स निकालने का मन नहीं कर रहा फिर भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ओह माय गॉड, बारिश भी हो रही है हल्की हल्की, ये व्यू देखो आप, व्यू देखो आप, ओह माय गॉड ऑसम ऑसम व्यू है। ये भैया बहुत मेहनत कर रहे हैं, नहीं नहीं अभी नहीं है। अच्छा स्ट्रॉबेरी वैली के अंदर एंट्री करने का कितना उठाएगा? ओके ओके ओके, खाने के लिए। अच्छा ऐसा है क्या, सिर्फ टिकट लो और जितना मर्जी उतना लो? अच्छा अच्छा अच्छा, अभी नहीं देखो इस तरह भी देखो, ये है स्ट्रॉबेरी वैली। यहाँ पर ऐसा होता है कि ये समर में ये जो वहाँ दिख रहे उनके हाउस वहाँ पर टिकट काउंटर है, कितना रुपए लेते हैं भैया? 50 रुपए टिकट होता है यहाँ पर, और उसके बाद आप जितना मर्जी है वहाँ पर स्ट्रॉबेरी आप कलेक्ट कर सकते हो। ये कितनी अजीब सी बात है, मतलब ये 50 रुपए में आप जितनी मर्जी स्ट्रॉबेरी ले सकते हो।
तो स्लेज गाड़ी जो हमने ली थी उसका पहला स्टॉपेज था स्ट्रॉबेरी पॉइंट, जहाँ पे आपको स्ट्रॉबेरी काफ़ी अच्छे सस्ते दाम में आप वहाँ के ट्री देख सकते हो और 50 रुपीज़ में बहुत अच्छी स्ट्रॉबेरी कलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे हिमानी काफ़ी इंजॉय कर रही थी, हमने भी आइस से खेलना स्टार्ट कर दिया था और हिमानी भी आइस से खेल रही थी, उसको बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहा था, वो आइस को देख के बहुत खुश थी। तो उसने अपने बेबी शार्क सॉन्ग पे डांस किया था यहाँ पे और हमने भी उसके साथ बहुत इंजॉय किया था। ओवरऑल हमें लग रहा था कि हिमानी आइस को देख के डर नहीं रही है या उसको ठंड का ऐसा कोई इशू नहीं है, वो बहुत इंजॉय कर रही थी और हमने भी उसके साथ इंजॉय किया था और उसको उसका फेवरेट टॉय जो पॉपिट था वो उसके हाथ में था। तो ये फर्स्ट पॉइंट हमने कवर किया था, उसके बाद हम सेकेंड पॉइंट की ओर चलेंगे। फिर हम सेकंड पॉइंट की तरफ निकल चुके थे। ये जो भैया स्लेज गाड़ी पे हमें लेके जा रहे हैं उनकी बहुत मेहनत लगती है, अगर आप गुलमा गाते हो तो आप स्लेज गाड़ी का ज़रूर इन्जॉयमेंट लें, बिकॉज़ ये लोगों का जो रोज़गार है वो स्लेज गाड़ी से है। और कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा बर्फ़ होती है तो शायद वहाँ पर स्लेज गाड़ी भी नहीं चल पाती, फिर आपको घोड़े से जाना पड़ता है। तो इनका जो इनकम सोर्स है वो यही है और काफ़ी अच्छे से ये हमें लेके जा रहे थे, बहुत कोऑपरेटिव थे, बहुत डाउन टू अर्थ थे, इन्होंने बेबी को भी बहुत अच्छे से होल्ड किया था जब जब हमें ज़रूरत पड़ रही थी। अच्छा अभी भी है ना? आज फिश नहीं है, आज तो पूरा ही जम जाता है। नहीं अभी इसमें रहता है, फिश रहता है। हाँ फिश में रहता है। अच्छा अच्छा आज भी आज बर्फ है ना? हाँ 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 ये गवर्नमेंट ने कहा है। ओके 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 वो टिकट कौन रहा है? अच्छा अच्छा अच्छा। तो सेकंड पॉइंट जो था वो हमारा फ़िश लेक का व्यू था, जो फिश लेक का व्यू देखने के बाद हम चल पड़े थे ऊपर की ओर, जहाँ पे आपको गुलमर्ग में बहुत अच्छी अच्छी होटल्स देखने को मिलेगी। अगर आप गुलमर्ग आते हो और आप वन डे का स्टे लेना चाहते हो तो यहाँ पे होटल्स का अरेंजमेंट बहुत अच्छा है, बट थोड़ी एक्सपेंसिव है, इसलिए हम लोग तो रिटर्न ही लौट गए थे, बिकॉज़ हमारे पैकेज के अंदर गुलमर्ग में स्टे नहीं था, रिटर्न ही था श्रीनगर में, क्योंकि पहलगाम सोनमर्ग सबका रास्ता श्रीनगर से ही होके जाता है, बट कोई कोई लोग जो है लंबा पैकेज लेके आते हैं लाइक 7 to 8 days का, तो वो लोग गुलमर्ग में स्टे करते हैं। बट यहाँ पे होटल्स अच्छे खासे प्राइस में होती हैं, मतलब लाइक 8,000 से वहाँ पे होटल्स के प्राइजेस स्टार्ट होते हैं। सो बेटर है कि आप रिटर्न हो जाओ और अगर आप रुकना चाहें तो भी आप रुक सकते हो, वहाँ पर अलग ही इन्जॉयमेंट होता है। तो गाइस यहाँ पर एक पॉइंट पर हम आज आए हैं, यहाँ पे आपको खाने पीने का सब मिल सकता है यहाँ पर, और इसकी यहीं से मिलेगी। प्राइस यहाँ रहती है मतलब ये तो बोलेंगे 2,000 रुपये, लेकिन विथ मास्टर, और 1,500 रुपये विदाउट मास्टर, लेकिन ये आपको आई थिंक 500 तक मिल जाएगी। हमने भी 500 बार्गेनिंग कराई है कि जाएंगे। गोंडोला राइड भाई तुम्हारी नहीं हो पाई? भाई बंद है 3 दिन के लिए, बट हम दूसरी चीज़ में इंजॉय करेंगे, नो वरी। नेक्स्ट हमने उस पॉइंट पे पहुंच के, टॉप पॉइंट पे पहुंच के हमने स्की करने का डिसाइड किया, बिकॉज गंडोला बंद था। सो हमने स्की करी और स्की के चार्जेस हमने पे किए थे 1,200 रुपीस। चेतना हमारी की मम्मी फाइनली हमारा पहले डिसाइड नहीं था, लेकिन बाद में बिल्कुल बिल्कुल मैं यहीं खड़ा हूँ भैया, मैं गिरूंगी तो नहीं, हाथ पैर टूट गए तो संभालना है बच्चे को, ये साथ है ना, ये किसके लिए। तो मैंने स्की करी, पहले वो आपको गाइडेंस देते हैं आपको कैसे करना है, उसके बाद में आपको बैलेंस बनाना सिखाते हैं, और जब आपका बैलेंस बन जाता है तो आप खुद से स्की कर सकते हो। और ट्रस्ट मी गाइज, मैंने बहुत इन्जॉय किया, मुझे स्टार्टिंग में लग रहा था मैं गिर जाऊंगी, लेकिन जब आपका बैलेंस बनना आपको आ जाता है तो उसके बाद आप आसानी से स्की कर सकते हो। स्की करने के बाद मैंने यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी रील्स बनवाई, और यहाँ पर फोटोग्राफर्स होते हैं जो पोर्ट्रेट मोड में बहुत अच्छी फ़ोटोज़ लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने अपनी सिंगल फ़ोटोज़, हिमानी के साथ फ़ोटोज़ और अजय के साथ फ़ोटोज़ खिंचवाए। फ़ोटोज़ खिंचवाने के बाद मैंने अपनी मैगी इन्जॉय करी, और ट्रस्ट मी गाइज, अगर आप इस बर्फ़ वाली प्लेस पर आते हो तो आपको मैगी और टी का इन्जॉयमेंट ज़रूर लेना है, बहुत मज़ा आता है। मेरे ये सब हो जाने के बाद अजय स्की पे गए थे, तब मैं ताशु को रख रही थी, तो उन्होंने भी बहुत अच्छे से स्की को इन्जॉय किया, और उनको भी बैलेंस बनाना आना चाहिए आपको, उसके बाद में आप स्की है जो आसानी से कर सकते हो। जब आप टॉप पे जाते हो तो आपको थोड़ा सा पुश करना पड़ता है, अदरवाइज़ स्लोप पे आप स्की आसानी से चला सकते हो, इन्जॉय कर सकते हो।
अभी फाइनली ताचू मेरे पास बैठ चुकी है, अब हम जा रहे हैं। ये जो टी पॉइंट था, स्की पॉइंट था, हमने स्की किया है, मैंने और चेतना ने। इस छोटी ने बैठी नहीं बाइक पे और अब हम रिटर्न हो रहे हैं। ये सब स्लेजिंग पे हो जा रहे हैं हम, चेतना आगे। और सच बताओ हमें बहुत मज़ा आया, खूब इंजॉय किया। स्कीइंग में ये है कि आपको आप 5 मिनट के अंदर सीख लोगे, और इसमें ये क्या है कि आपको स्लोप पे जब स्की करते हो तो बहुत इजीली कर सकते हो। जैसे कि देखो ये जो लेडी कर रही है स्की आराम से कर सकती है, लेकिन जब रिटर्न के टाइम पे ना आपको पुश करने की ज़रूरत होती है, आप पुश नहीं कर पाओगे अपने आप को, तब उसमें आपकी बहुत एनर्जी लगती है और आप थक जाओगे। तो ठीक है, चढ़ाई में आपको तो पुश करना पड़ेगा, बट जब स्लोप पे आप आते हो ना रिटर्न में, आपको इतना मज़ा आएगा बाय गॉड, आपको फुल इंजॉय होगा, फुल वर्थ है स्कीइंग करना। रिटर्न के टाइम हमने और भी रील्स एंजॉय किए, लाइक कपल्स रील्स बनाई, आइस में खेले, खूब एंजॉय किया, मतलब जितना एंजॉय कर सकते थे हम आइस में, क्योंकि पहली बार इतनी वाइट आइस देखी है। तो हम तीनों ने बहुत एंजॉय किया, और हमारे जो स्लेज वाले भैया थे, हम रिटर्न से ही स्लेज से गए थे, तो स्लेज वाले भैया भी हमारे साथ एंजॉय कर रहे थे। उन्होंने हमें पॉइंट्स बताए कि किधर पानी जमा हुआ है और किधर आइस है, कहाँ सॉलिड आइस है, कहाँ सॉफ्ट आइस है, वो सब हमें बताया। तो हम उसी पॉइंट पे जो है आइस के मज़े ले रहे थे और खेल रहे थे, और हिमानी ने भी बहुत इन्जॉय किया। और ट्रस्ट में हमने बहुत अच्छी अच्छी रील्स यहाँ पे बनाई, आपको देखने को मिलेगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, फैशन विद चेतना, और वहाँ पे मेरी रील्स देख सकते हो। तो इस टाइप की रील्स भी आप आइस पे बना सकते हो, अगर आपको रील्स बनाने का बहुत ही ज़्यादा शौक है लाइक मी। तो जब हम गुलमर्ग से रिटर्न हो रहे थे, तो हमारे ड्राइवर भैया जो समीर भाई थे, उन्होंने हमें शॉप दिखाई जहाँ पे प्योर पश्मीना और अच्छी अच्छी पश्मीना शॉल्स वगैरह सब मिलती है। तो उस शॉप पे हम गए थे, शॉप का नाम है NP आर्ट्स। यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी कश्मीरी वर्क की साड़ियाँ, पश्मीना शॉल्स, सूट्स, बेड कवर, चेन स्टिच, लेदर जैकेट्स, एम्ब्रॉयडरी साड़ी, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इस शॉप का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया हुआ है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। और मैंने यहाँ से फेरिन परचेज किया था, यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे डिज़ाइनर फेरिन थे, कर्टन्स थे, सूट थे, बैग्स थे, कालीन थे, बहुत अच्छे डिज़ाइंस के थे प्योर कश्मीरी वर्क में। उसके साथ में यहाँ पे पेपर मैश के आइटम्स थे, जो हर पूरे कश्मीर में बहुत फेमस है और हर शॉप पे आपको देखने को मिलेगा। बट मैंने पेपर मैश का यहाँ से कुछ नहीं लिया था, मैंने यहाँ से फेरिन लिया था, और ये फेरिन मुझे बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में दिखाया था, बट मुझे ये रॉयल ब्लू कलर बहुत ही अच्छा लगा, जिसको मैंने स्टाइल करके भी देखा है, तो ये बहुत अच्छा लगा और ये मैंने यहाँ से बाय किया था। हाय गाइस, तो अभी हो रहे हैं 6 o'clock और हम यहाँ पे अपने होटल में आ चुके हैं। तो मुझे ये बहुत अच्छा ट्रिप लगा है कि मतलब क्या 8:30 बजे निकलो और 5:30 घर पे आ जाओ आराम से, और उसके बाद में अपनी लाइफ एंजॉय करो, बहुत बहुत अच्छा लगा। और पहला ऐसा ट्रिप है जिसमें टैन नहीं हो रही है, हमेशा ऐसा होता है कि ट्रिप पे जाते हैं टैन हो जाती है, पिंपल हो जाते हैं, लेकिन ये इस वाले ट्रिप में उल्टा हमारे कलर खिल रहे हैं इतना। अब समझ आ रहा है कश्मीर को जन्नत क्यों बोलते हैं, यहाँ पे फ्रेश एयर है, फ्रेश वाटर है, फ्रेश फ्रूट्स, एवरीथिंग सब कुछ नेचुरल है लग रहा है। और ये हमारा Day 2 था, इसका एक्सपीरियंस भी इतना 101% वाला अच्छा गया, बहुत अच्छा रहा। सारे लोग बहुत कोऑपरेटिव थे। अमाउंट स्लेज का हमने दिया था 1500 रुपीज़ दोनों पर्सन का, ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं कराई हमने, और मतलब ये एक रिजनेबल प्राइस है। गंडोला आज बंद था बिकॉज ऑफ क्लीनिंग मेंटेनेंस चल रहा था इसलिए, और 3 दिन के लिए बंद है, बट हमने गंडोला बंद था लेकिन उसकी जगह हमने स्की किया और स्लेज किया और आइस में खेले हम, वो हमने बहुत बहुत इन्जॉय किया, बहुत अच्छा लगा हमें वो सब इन्जॉय करके। और मैगी खाई, चाय पी, बहुत अच्छा लगा, एग खाए, अच्छा लगा, ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। अब नेक्स्ट जो हमारा कल का दिन होगा वो पहलगाम के लिए होगा, और मैंने आपको शॉपिंग करी वो तो मैंने आपको बता ही दी है, तो वहाँ से आप ज़रूर शॉपिंग कीजिएगा उस शॉप से। कल हम पहलगाम के लिए जाएंगे, और जिनको भी फिर से मैं बोलूँगी, ये सेकंड डे है वीडियो का, जिनको भी डाउट है कि कश्मीर सेफ़ है या नहीं है, कश्मीर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लाइफ में, अगर आप इंडिया में रहते हो, तो आपको एक बार कश्मीर ज़रूर विजिट करना चाहिए, आपको लव हो जाएगा, आप चाहोगे कि यहाँ घर लेके रहोगा। सो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन, होपफुली आप लोगों को मेरे व्लॉग पसंद आ रहे होंगे, अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो मिलती है अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू गाइज, बाय बाय।